आपके जीवन की सटीक भविष्यवाणी। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसे अपना भाग्य सवारे, किस्मत होगी अब आपकी मुट्ठी में। जी हाँ, जब बात होगी आपके भविष्य में घटने वाली घटनाओं की, समाधान होगा दबंग न्यूज के कार्यक्रम हेलो पंडित जी में। जबलपुर के अचूक भविष्य वक्ता ज्योतिषाचार्य लक्ष्मण महाराज से, जिनकी हर बात हुई है सच, नेता हो या अभिनेता या फिर चुनाव, लक्ष्मण महाराज की भविष्यवाणी 100% सच साबित। जान सकते हैं आप भी अपनी तकदीर का हाल, पूछ सकते हैं अपनी समस्याओं का समाधान लक्ष्मण महाराज से, सिर्फ दबंग न्यूज पर हेलो पंडित जी में। जल्द ही सिर्फ और सिर्फ दबंग न्यूज पर। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम हेलो पंडित जी। तो आज हम इस कार्यक्रम में मिलने वाले हैं ज्योतिषाचार्य लक्ष्मण महाराज जी से, जिनकी भविष्यवाणी एकदम सही और सही मानी जाती है, चाहे चुनावी क्षेत्र हो या किसी की काल। तो आज हमें पंडित जी बताने वाले हैं कि विघ्नहर का गणेश जी की स्थापना किस तरह करना चाहिए वर्ष 2019। क्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं लक्ष्मण दुबे हेलो पंडित जी में आपका स्वागत करता हूँ। गणेशोत्सव पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश जी आपकी समस्त कामनाओं को पूरी करें, आपको स्वस्थ रखें, सुखी रखें और आपका जीवन मंगलमय हो। आइए चर्चा करेंगे गणेशोत्सव में गणेश जी की स्थापना का। दर्शकों, गणेश जी की स्थापना शुभ मुहूर्त में, स्थिर लग्न में और शुभ लाभ अमृत और चल चौगड़िया में करना चाहिए। गणेश जी को जब हम अपने निवास पर या घर पर अपने गृह में उनको स्थापित करते हैं, उस समय घर में हमारा घर कलह और तनाव से युक्त ना हो। क्योंकि यदि हम किसी को अपने घर में आवाहित करते हैं तो उस समय पूरे परिवार में प्रसन्नता का माहौल। क्योंकि गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं और शुभ फल देने वाले हैं। शुभ गणेश जी के पुत्र का भी नाम है। तो शुभ मुहूर्त में गणेश जी को अपने घर में लाएं और गणेश जी की स्थापना करना है। स्थापना के लिए जो हम विधि है, गणेश जी को मुख्य रूप से या तो हम पूर्व की दिशा में स्थापित करें अथवा उत्तर की दिशा में स्थापित करें। जब हम गणेश जी का पूजन करें तो हमारा मुख या तो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए अथवा उत्तर दिशा की होना चाहिए। एक चौकी लें, उस चौकी में सुंदर आसन बिछाएं, रक्तवर्ण का कोई कपड़ा ले लें या जो उपलब्ध हो उसको बिछाएं, लाल या पीला। उसके ऊपर एक स्वास्तिक बनाएं रोली से, उस पर चार बिंदु हल्दी से बनाएं और बीच में एक मुट्ठी प्रमाण में हमको अक्षत रखना है। चावल नहीं रखना है, अक्षत रखना है। अक्षत मतलब होता है जो कहीं से क्षत ना हो, अर्थात टूटा फूटा ना हो। फिर उसके ऊपर हमको गणेश जी को स्थापित करना है। इसके बाद हम गणेश जी के बाएं तरफ एक कलश की स्थापन करेंगे और वहीं पर हम आदि गणेश की पूजन भी करेंगे कलश के साथ में। क्योंकि गणेश जी के दो स्वरूप हैं, एक आदि गणेश है और एक गणेश जी जिनको हम स्थापित करते हैं। आदि गणेश की पूजन के उपरांत हम फिर गणेश जी की पूजन करेंगे। गणेश जी को स्थापित करके उनका पंचोपचार अथवा षोडशोपचार या फिर सर्वोपचार से पूजन करेंगे। पहले हम गणेश जी का आवाहन करेंगे।
इसके बाद उनको सुंदर आसन पर स्थापित करेंगे और उनको प्राण प्रतिष्ठित करेंगे। मंत्र बोल के ओम अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणा क्षरन्तु च अस्य देवत्वमर्चये मा महेति च कश्चन। इस मंत्र से गणेश जी को प्राण प्रतिष्ठित करके गणेश जी की पूजन करना है। पाद्य अर्घ आचमनी स्नान और पंचामृत स्नान, इसके बाद गणेश जी को सुंदर वस्त्र यज्ञोपवीत सुंदर चंदन धारण कराना है, गणेश जी को पुष्प हार पहनाना है गणेश जी को। इसके बाद दुर्वा गणेश जी को अति प्रिय है, दुर्वा गणेश जी को अर्पित करें। तो ये रही स्थापना की विधि और अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जानेंगे कि कैसे होती है श्री भगवान गणेश की अर्चन और पूजन। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आपके जीवन की सटीक भविष्यवाणी, क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसे अपना भाग्य सवारे, किस्मत होगी अब आपकी मुट्ठी में। जी हाँ, जब बात होगी आपके भविष्य में घटने वाली घटनाओं की, समाधान होगा दबंग न्यूज के कार्यक्रम हेलो पंडित जी में। जबलपुर के अचूक भविष्य वक्ता ज्योतिषाचार्य लक्ष्मण महाराज से, जिनकी हर बात हुई है सच, नेता हो या अभिनेता या फिर चुनाव, लक्ष्मण महाराज की भविष्यवाणी 100% सच साबित। जान सकते हैं आप भी अपनी तकदीर का हाल, पूछ सकते हैं अपनी समस्याओं का समाधान लक्ष्मण महाराज से सिर्फ दबंग न्यूज पर हेलो पंडित जी में, जल्द ही सिर्फ और सिर्फ दबंग न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी। तो अब हम जानेंगे प्रथम पूज्य गणेश जी का। सहस्र मतलब होता है 1000, सहस्र अर्थात 1000। उन 1000 नामों के द्वारा प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी का अर्चन किया जाता है। जैसे कि अगर हम अक्षत से गणेश जी का अर्चन करते हैं, इसके अलावा हम द्विदल अर्थात दाल से भी गणेश जी का अर्चन करते हैं, इसके अलावा हम मूग होता है संस्कृत में, उसको मुग्ध बोलते हैं, उससे भी प्रथम पूज्य गणेश जी का अर्चन करते हैं। दुर्वा से गणेश जी का अर्चन करते हैं, श्रीफल से गणेश जी का अर्चन करते हैं, मोदक से गणेश जी का अर्चन करते हैं, मेवा से गणेश जी का अर्चन करते हैं, मिश्री से गणेश जी का अर्चन करते हैं और लड्डुओं से भी आदि गणेश जी का अर्चन करते हैं। विद्यार्थियों को गणेश जी का अर्चन दुर्वा से करना चाहिए। दुर्वा अर्थात दुर्वांकुर, दुर्वा का जो अंकुर होता है, जो ऊपर का जो भाग होता है छोटा सा होता है, उससे गणेश जी का अर्चन करना चाहिए, ना कि पूरी दुर्वा। जड़ सहित दुर्वा से अर्चन फलकारी नहीं होता है। तो गणेश जी को जो दुर्वा चढ़ाना है या जिस दुर्वा से अर्चन करना है, वह अंकुर होना चाहिए, जो ऊपर का भाग होता है छोटा सा, उससे आप गणेश जी को अर्चन करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी बुद्धि बढ़ेगी और विद्या प्राप्ति में जो भी बाधाएं आ रही हैं, श्री गणेश जी की कृपा से आपकी विद्या बुद्धि में कोई रुकावट नहीं होगी, आपकी शिक्षा अच्छी होगी। ऐसे जो लोग हैं जिन्हें संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, ऐसे लोगों को गणेश जी का अर्चन श्री फल के द्वारा करना चाहिए और गणेश जी से पुत्र प्राप्ति की या संतान प्राप्ति की कामना से
नारियल अर्थात श्रीफल से गणेश जी का अर्चन करेंगे तो अवश्य गणेश जी की कृपा होगी और शीघ्र ही संतान सुख प्राप्त होगा। ऐसे व्यक्ति हैं जो सतत प्रयास कर रहे हैं और सफलता उनसे कोसों दूर रहती है, ऐसे लोगों को लाजा अर्थात लावा से, जो धान का लावा होता है उससे यदि वह गणेश जी का पूरे 10 दिन तक अर्चन करते हैं तो अवश्य ही गणेश जी की कृपा उन पर होगी और उन्हें शीघ्र अपने कार्यों में इच्छित सफलता प्राप्त होगी। धन प्राप्ति के लिए ऐसे लोग हैं जो अनावश्यक और व्यय, ऐसे लोग जो अनावश्यक व्यय से परेशान हैं और धन की आवक नहीं हो पाती या होती भी है तो कम है, ऐसे लोगों को गणेश जी अबीर सिंदूर और अक्षत तीनों चीज़ों को मिलाकर गणेश जी का अर्चन करें, अवश्य ही गणेश जी की कृपा से धन में वृद्धि होगी। ऋण मुक्ति के लिए, ऋण मुक्ति के लिए मूंग अनाज है उससे गणेश जी का अर्चन करें, अवश्य ही आप ऋण मुक्त होंगे। ऐसे लोग हैं जो अनेक प्रकार की बाधाओं से ग्रसित हैं और कहीं शारीरिक बाधा है, कहीं मानसिक बाधा है, कहीं व्यापार में बाधा है, तो ऐसे लोगों को गणेश जी का मोदक से अर्चन करना चाहिए। यदि आप मोदक से अर्चन करते हैं तो अवश्य ही गणेश जी की कृपा से आप समस्त बाधाओं से मुक्त होंगे और ऐसे लोगों को ओम विघ्न विनायकाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए गणेश जी की आराधना करना चाहिए। आपके जीवन की सटीक भविष्यवाणी, क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसे अपना भाग्य सवारे, किस्मत होगी अब आपकी मुट्ठी में। जी हाँ, जब बात होगी आपके भविष्य में घटने वाली घटनाओं की, समाधान होगा दबंग न्यूज के कार्यक्रम हेलो पंडित जी में। जबलपुर के अचूक भविष्य वक्ता ज्योतिषाचार्य लक्ष्मण महाराज से, जिनकी हर बात हुई है सच, नेता हो या अभिनेता या फिर चुनाव, लक्ष्मण महाराज की भविष्यवाणी 100% सच साबित। जान सकते हैं आप भी अपनी तकदीर का हाल, पूछ सकते हैं अपनी समस्याओं का समाधान लक्ष्मण महाराज से सिर्फ दबंग न्यूज पर हेलो पंडित जी में, जल्द ही सिर्फ और सिर्फ दबंग न्यूज पर। आप सभी का स्वागत है एक के बाद और अब हमारे साथ जुड़ने के कटनी निवासी है। जी आराधना जी, जो गृहस्थ है, गृहस्थ जीवन में गृहस्थ सुख पाने के लिए आप ऐसे गणेश जी की स्थापना करें जो सौम्य हो और जो मुरली बजाते हुए हो, और गणेश जी की जो पूजा है वो तो गणेश जी की जो पूजा है वो तो जैसे आप करते हैं वो ठीक है, लेकिन आप गणेश जी को दुर्वास से अर्चन करें तो अवश्य ही आपकी जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी समस्याएं हैं, वो धीरे धीरे करके गणेश जी की कृपा से ठीक हो जाएगी। तो ये थी आराधना जी जो कि कटनी से हमारे साथ जुड़ी थी, और अब हमारी अगली कॉलर है प्राची जी जो कि इंदौर से हमसे जुड़ी है। तो प्राची जी बताएं आपकी समस्याएं हमारे ज्योतिषाचार्य जी से। जी नमस्कार। जी 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 जी
दे। जी अवश्य, यदि आप सच्चे मन से गणेश जी की आराधना करेंगे तो जरूर आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। आप किसी भी आप गणेश जी के जो गणेश जी के आराधना का पर्व है गणेश उत्सव, इसमें संध्या काल में मूग, हरी मूग के ऊपर 11 शुद्ध घी के दीपक, आटे से दीपक निर्मित करके शुद्ध घी के दीपक जलाएं गणेश जी के समक्ष, और एक नारियल गणेश जी को अर्पित करें और ओम विघ्न विनायकाय नमः अथवा ओम वक्रतुंडाय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यह क्रम पूरे 10 दिन तक आप करते हैं तो अवश्य ही आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। संध्या काल में करना है जी। जी 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 धन्यवाद, नमस्कार। तो ये थी हमारे कॉलर्स की कामनाएं और विधि जानने के उपलब्ध। अब हम जानते हैं कि 12 राशियां जो हैं, तो हर एक अलग अलग राशि वालों को किस विधि अनुसार इस गणेश पूजन को करना चाहिए। प्रत्येक राशि के अनुसार मनुष्य को गणेश जी की आराधना करना चाहिए, जिससे शीघ्र उनको इच्छित फल की प्राप्ति हो और उनकी कामना की पूर्ति हो। जैसे कि मेष राशि वालों को रोली और सिंदूर से गणेश जी का अर्चन करना चाहिए और ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए करेंगे तो अवश्य ही शीघ्र इच्छित फलों की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को अक्षत से श्री गणेश जी का अर्चन करना चाहिए और ओम लंबोदराय नमः इस मंत्र का नियमित जाप करना चाहिए तो अवश्य ही गणेश जी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को दुर्वा से गणेश जी का अर्चन करना चाहिए और ओम वक्रतुंडाय नमः इस मंत्र का जाप करने से शीघ्र ही इस प्रकार गणेश जी की पूजन करने से और ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का जाप करने से गणेश जी शीघ्र ही समस्त कामनाओं को पूरा करेंगे। कर्क राशि वालों को ओम भाल चंद्राय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए और चंदन से गणेश जी का अर्चन और पूजन करना श्रेयस्कर रहेगा कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए। तो अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जानेंगे सिद्ध कन्या तुला और वृश्चिक राशि वालों को किस तरह पूजन करना चाहिए। आपके जीवन की सटीक भविष्यवाणी, क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसे अपना भाग्य सवारे, किस्मत होगी अब आपकी मुट्ठी में। जी हाँ, जब बात होगी आपके भविष्य में घटने वाली घटनाओं की, समाधान होगा दबंग न्यूज के कार्यक्रम हेलो पंडित जी में। जबलपुर के अचूक भविष्य वक्ता ज्योतिषाचार्य लक्ष्मण महाराज से, जिनकी हर बात हुई है सच, नेता हो या अभिनेता या फिर चुनाव, लक्ष्मण महाराज की भविष्यवाणी 100% सच साबित। जान सकते हैं आप भी अपनी तकदीर का हाल, पूछ सकते हैं अपनी समस्याओं का समाधान लक्ष्मण महाराज से सिर्फ दबंग न्यूज पर हेलो पंडित जी में, जल्द ही सिर्फ और सिर्फ दबंग न्यूज पर। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को द्विदल अर्थात दालों से भगवान गणेश का अर्चन करना चाहिए और ओम लंबोदराय नमः अथवा ओम विकटाननाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। कन्या राशि वाले
व्यक्तियों को मूंग से गणेश जी का अर्चन करना चाहिए अथवा मोदक से गणेश जी का अर्चन करना चाहिए। और ओम विघ्न विनायकाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तुला राशि के व्यक्तियों को गणेश जी के साथ में लक्ष्मी जी की आराधना करना चाहिए और तुला राशि के व्यक्तियों को सफ़ेद वर्ण की मिठाई से गणेश जी का अर्चन करना श्रेयस्कर रहेगा, लाभकारी रहेगा, गणेश जी की कृपा आप पर शीघ्र होगी और जो भी कार्य आपके रुक रहे हैं वह शीघ्र ही पूर्ण होंगे। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को सिंदूर से गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तो इस प्रकार वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति यदि गणेश जी की आराधना करते हैं, गणेश जी की उपासना करते हैं, गणेश मंत्र का स्मरण करते हैं, जप करते हैं, तो शीघ्र ही भगवान गणेश की कृपा से सारे कार्य पूर्ण होंगे। तो अब हम जानेंगे धनु मकर कुंभ मीन राशि वालों के लिए क्या। तो अब हम जानेंगे धनु मकर कुंभ मीन राशि वालों को किस प्रकार भगवान श्री गणेश का पूजन करना चाहिए। धनु राशि वाले व्यक्तियों को हरिद्रा अर्थात हल्दी से भगवान गणेश का अर्चन करना चाहिए और ओम विनायकाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मकर राशि वाले व्यक्तियों को दुर्वा से गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। दुर्वा से गणेश जी की आराधना करने से समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है और शीघ्र ही गणेश जी प्रसन्न होते हैं और इच्छित फल प्राप्त कराते हैं। ओम विघ्न नाशकाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। कुंभ राशि वालों को अनेक प्रकार के फलों से गणेश जी का अर्चन करना चाहिए और ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मीन राशि वालों को हल्दी अथवा अबीर और सिंदूर मिश्रित मिलाकर अक्षत से अर्चन करना चाहिए। मीन राशि वाले व्यक्तियों को हरिद्रा अर्थात हल्दी अबीर सिंदूर अक्षत मिश्रित सामग्रियों से अर्चन करना चाहिए और लंबोदराय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए और गणेश जी के द्वादश नामों का स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से गणेश जी शीघ्र ही प्रसन्न होंगे और इच्छित फल देने वाले हैं। अपने घरों में गोमय अर्थात गोबर, मृत्तिका अर्थात मिट्टी, गोबर और मिट्टी से निर्मित प्रतिमाओं को स्थापित करना चाहिए और उन्हीं की पूजन करना चाहिए ताकि ऐसी मूर्तियों इस प्रकार से गणेश जी की स्थापना करते हैं, इन वस्तुओं से गणेश प्रतिमा का निर्माण करते हैं तो इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है, पर्यावरण को कोई क्षति नहीं होती है और यह मूर्तियां आसानी से घुल जाती हैं। लेकिन पीओपी की मूर्तियों से दूरी बना के रखें। एक तो यह अपवित्र भी है और दूसरा इनसे पर्यावरण की बहुत ज़्यादा क्षति भी होती है। आप सुपारी से निर्मित गणेश जी की पूजा भी कर सकते हैं, घर में स्थापित कर सकते हैं, सुपारी से निर्मित करके गणेश जी बना सकते हैं अथवा आप रत्नों से मूगा है पन्ना के से निर्मित गणेश जी को अपने घर में ला सकते हैं और जिनकी आप पूजन कर सकते हैं। श्वेतार्क गणेश जी की भी आप स्थापना कर सकते हैं और रजत अथवा तांबे के गणेश जी अथवा स्वर्ण प्रतिमाओं का भी आप स्थापन करके अपनी कामनाओं की पूर्ति भी कर सकते हैं और पर्यावरण को नुकसान होने से भी बचा सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ ज्योतिषाचार्य लक्ष्मण महाराज जी। धन्यवाद पंडित जी, आप हमारे शो में आए, आपने सभी पूजन विधि बताई सभी को एवं सभी के जो समाधान है वो बताए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारा शो है।
निष्पक्ष नजर निष्पक्ष खबर। मैं प्रदीप्ति चौरसिया से लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार। आपके जीवन की सटीक भविष्यवाणी, क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसे अपना भाग्य सवारे, किस्मत होगी अब आपकी मुट्ठी में। जी हाँ, जब बात होगी आपके भविष्य में घटने वाली घटनाओं की, समाधान होगा दबंग न्यूज के कार्यक्रम हेलो पंडित जी में। जबलपुर के अचूक भविष्य वक्ता ज्योतिषाचार्य लक्ष्मण महाराज से, जिनकी हर बात हुई है सच, नेता हो या अभिनेता या फिर चुनाव, लक्ष्मण महाराज की भविष्यवाणी 100% सच साबित। जान सकते हैं आप भी अपनी तकदीर का हाल, पूछ सकते हैं अपनी समस्याओं का समाधान लक्ष्मण महाराज से सिर्फ दबंग न्यूज पर हेलो पंडित जी में, जल्द ही सिर्फ और सिर्फ दबंग न्यूज पर।